जय माता दी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम रहकर आए मेष राशि के जातकों के लिए, जुलाई का माह है। मेष राशि वालों के लिए इस माह में विशेष क्या करना है और क्या आगे राशि के निमित्त आगे कोई आपको काम करने में आगे बढ़ना है, हम बताएंगे। मेष राशि के लिए सबसे पहले इस माह में हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हेल्थ के लिए मंगल लग्नेश होकर अष्टमेश होकर ऐसी स्थिति में आपके सही जगह विराजमान है, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरा, बुध सूर्य राहु पराक्रम विराजमान है तो भाई बहन का सपोर्ट आपको मिलेगा। इस माह आप बहुत मेहनत करेंगे और मेहनत करके कुछ आगे बड़ा काम कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जो विद्यार्थी है उनके लिए जो परीक्षा में कंपटीशन में आपने फॉर्म भरे हैं उसके लिए आपको अच्छा समाचार मिल सकता है। और 5 जुलाई से गुरु पूर्णिमा है तो जो आप गुरु दीक्षा मंत्र लिए उनकी गुरु जी की पूजा करें। और वैसे गुरु मार्गी हो गए हैं तो वैसे आपके पंचमेश होते हैं तो मार्गी गुरु आपको अच्छा फल देंगे। और मार्गी के साथ साथ क्या है कि अभी वो नीच के थे मकर राशि में, धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं 30 जून को। जुलाई के महीना बहुत अच्छा रहेगा मेष राशि के लिए। सबसे पहले क्या है कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, आपको जल्दी जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना है, उससे आपको हानि होगी। और प्रेम संबंध की बात करते हैं उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। भाग में आपके केतु गुरु विराजमान है, ऐसे में क्या है कि भाग का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन भाग के साथ साथ जो मेहनत करना चाहते हैं आप उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाती है। तो आपको लास्ट मोमेंट तक अपनी हिम्मत को रखना है, अपने दिल को आगे बढ़ना है, कोई प्रकार की घबराहट आपको ना हो, उसको पड़ाव को आगे बढ़ाना है। दूसरा, शनि आपके दशम में विराजमान है तो यश प्रतिष्ठा पद भी आपको प्राप्त होगी और व्यापार में कोई नया समाचार आपको मिलेगा और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। गुरु मंगल आपके 12वां है तो ऐसी स्थिति में क्या है आपको थोड़ा वाणी से नियंत्रण रखना, जिसको चाहते हैं उससे आपको अच्छी स्थिति बनाना है। और आगे विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संस्था संपर्क कर सकते हैं, समय का अभाव होता है, आप जान सकते हैं। विशेष जो आपके लिए करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना है, लाल कपड़ा पहनना है, एक मूंगा धारण कर सकते हो, उससे आपका पेट ठीक रहेगा और आपके अंदर जो नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। आपको ऐसा करना है, हनुमान जी का व्रत भी रह सकते हैं और उनके लिए भोग जो प्रिय होता है गुड़ चने का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको शांति और भूमि संबंधी लाभ हो सकता है। जय माता दी।